गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 11, यूज ऑफ ए एंड द। अब दी का यूज हम कैसे करते हैं? वोवल्स के साथ। वोवल्स के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे एन का यूज करते हैं वोवल के साथ, तो वोवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, दीज आर वोवल्स। और कॉन्सोनेंट्स, सी ओ एन एस ओ एन एन टी एस, कॉन्सोनेंट्स, दीज आर कॉन्सोनेंट्स, ए बी बी सी डी एफ जी, तो दीज आर कॉन्सोनेंट्स, दीज आर वोवल्स। तो हमें ए का यूज तो करना है कॉन्सोनेंट के साथ और एन का यूज करना है वोवल के साथ, जिसका फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, उसका उसके उसका उसके सामने हमें एन का यूज करना है। और जिसका फर्स्ट लेटर बी सी डी एफ जी से स्टार्ट होता है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो उसके सामने हमें ए यूज करना है। अब वोवल्स जो होते हैं उसके प्रोनाउंस होते हैं ए आ ई ई ए ए, जैसे एप्पल, जैसे ए डबल पी एल ई एप्पल, तो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो यह हम एन यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट जैसे क ख ग ग ड, तो जैसे बनाना हट, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? जैसे बी है तो ए यूज करेंगे बनाना के साथ, हट के साथ भी ए यूज करेंगे। तो दीज आर वोवल्स, दीज आर कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स का यूज कर के सामने हमें यूज करना है ए का, और वोवल्स के साथ हमें यूज करना है एन का। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें एन का यूज दिया हुआ है, ए बटरफ्लाई, बी से स्टार्ट हो रहा है तो दिस इज ए कॉन्सोनेंट। एन अम्ब्रेला, यू, ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो दिस इज ए वोवल, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। ए ट्री, ए ट्री, तो ए तो टे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है टी, दिस इज ए कॉन्सोनेंट, तो हम ए का यूज करेंगे। एन आंट, तो ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है ए से, फर्स्ट लेटर क्या है ए, तो हम एन का यूज करेंगे। ए गॉट, तो जी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वोवल कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ए यूज करेंगे, दिस इज वोवल ए, तो हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। वी यूज एन बिफोर ए नेमिंग वर्ड्स द बिगिन विद ए वोवल ए ई आई ओ यू साउंड। हम एन का यूज किसके साथ करेंगे? जो वोवल से स्टार्ट होता है ए ई आई ओ यू से। वी यूज ए, हम ए का यूज करेंगे बिफोर ए नेमिंग वर्ड, जो नाम से पहले आएगा, दैट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आएगा, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट का है तो हम ए यूज करें। एज एग्जाम्पल, जैसे देखो, पुट और एन बिफोर द नेमिंग वर्ड्स, अब ये नेमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके सामने हमें ए और एन का यूज करना है। तो टीचर, टी क्या है? दिस इज कॉन्सोनेंट, तो ए यूज करेंगे, दिस इज कॉन्सोनेंट, ए यूज करेंगे, दिस इज कॉन्सोनेंट, ए यूज करेंगे, दिस इज वोवल, एन यूज करेंगे, ए, दिस इज वोवल, एन यूज करेंगे, दिस इज वोवल, एन यूज करेंगे, दिस इज वोवल, एन यूज करेंगे, दिस इज वोवल, एन यूज करेंगे। हट, ये कॉन्सोनेंट है, ए यूज करेंगे। बी, बी एन एन बनाना, बी से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, ए यूज करेंगे। लॉयन, ए यूज करेंगे। अनियन, एन यूज करेंगे। तो ये आपको ग्रामर में फिल करना है चैप्टर नंबर 11।